क्या आप कभी सोचे हैं कि जब एक चीज का स्टेट वाइज, लैंग्वेज वाइज, कंट्री वाइज अलग अलग नाम हो जाता है, तो उसको इंटरनेशनली ट्रेड करना कितना डिफिकल्ट होता होगा। और उसको जैसे कि अगर एग्जांपल तौर पर हम समझे, आप एक चीज को ए नाम से जानते हो और आपकी जो कस्टम एजेंसी है, जो कस्टम क्लियरेंस ऑफिसर है, वो उसको बी नाम से जानता है, और उधर का जो इम्पोर्टर की कंट्री का जो कस्टम क्लियरेंस एजेंट है उसको सी नाम से जानता हो, और जो इम्पोर्टर के लिए वो डी नाम से हो। जब इतने एक चीज का अलग अलग नाम हो जाता है तो उसको इंटरनेशनली ट्रेड करना भी मुश्किल हो जाता है और बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो ये जो चीज को ना मिटिगेट करने के लिए वर्ल्ड्स कस्टम ऑर्गेनाइजेशंस ने एक नोमेनक्लेचर सिस्टम डेवलप किया है, जिसमें हर एक चीज को एक स्पेसिफिक नंबर दिया गया है, और वो चीज नाम से नहीं, नंबर से जाना जाता है, उसके सामने उसका डिस्क्रिप्शन रहता है। तो इसको HSN कोड बोला जाता है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, या शॉर्ट में आप HS कोड भी बोला जाता है। तो यही कोड के ऊपर से पूरे के पूरे जो मटेरियल है उसका स्पेसिफिकेशन डिफाइन होती है। तो ये क्या सबके लिए, कंट्री, कस्टम एजेंसी, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, सबके लिए एक जैसा ही हो जाता है? तो ये बहुत ही स्मूथ और बहुत ही सही तरीका हो जाता है। यह हमारे इंडिया में डोमेस्टिक में भी बहुत यूज है GST के लिए, वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा किस प्रकार है। और ये इंटरनेशनली बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में डील कर रहे हो। हाय, आई एम विश्वनाथ संधा। बाय एजुकेशन आई एम एन इंजीनियर, एंड बाय प्रोफेशन आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड सक्सेसफुल एक्सपोर्टर। मेरी जो ब्रॉड एक्सपीरियंस है, मैं आपको बहुत ही प्रिसाइसली और एक्यूरेटली आज HS कोड के सारे फंडे समझाने की कोशिश करूंगा, जिसमें ये जो HS की कोड वीडियो देखने के बाद आपको HS कोड की कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। और मेरी जो कंटेंट हमेशा प्रिसाइस और एक्यूरेट रहता है, ये हमेशा से आपको पता होगा जो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं। और मैं आपको चीज बता दूं कि थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, वही मेरी एक ही मात्र मोटिवेशन है। ये वीडियो से और कोई भी गेन नहीं है, और ये आपके लिए फ्री है लेकिन मेरे लिए बहुत मैटर करता है। कंजूसी ना करिए, थोड़ा सा कर दीजिए। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। चलिए HS कोड को बहुत ही बढ़िया से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, बासमती राइस का HS कोड, जो कि है 1006 3020। ये 8-digit HS कोड है। हम इसमें पूरा डिसाइड करेंगे कौन सा डिजिट क्या स्पेसिफिकली बताता है और कौन सी डिजिट को क्या बोला जाता है। तो ये जो 8-digit HS कोड है, इसका जो फर्स्ट 2 digit है उसको चैप्टर नंबर बोला जाता है। तो इसमें जो टोटल चैप्टर है 99 चैप्टर है, तो जो पहला जो HS कोड के 2 digit है वो चैप्टर नंबर है। उसके बाद आता है उसका हेडिंग, जो सेकेंड 2 digit जो रहती है वो हेडिंग रहता है, थर्ड 2 digit जो रहती है वो सब हेडिंग रहता है, और फोर्थ जो 2 digit रहता है वो कमोडिटी स्पेसिफिक करता है। जैसे कि जो फोर्थ 2 digit है वो बासमती राइस के लिए है। अगर हम पहले जो 6 digit ले लेंगे वो सिर्फ राइस के लिए है, और फिर इसको बहुत सारे कंट्री में 10 digit भी यूज किया जाता है। ये HS कोड को मैक्सिमम 2 digit, 4 digit, 6 digit, 8 digit और 10 digit भी यूज की जाती है। हमारे इंडिया में टोटल 8 digit तक यूज की जाती है, और एक्सपोर्ट में इंटरनेशनली ये 6 digit तक एक्सेप्टेबल है, 6 digit तक ये चलता है, और बहुत सारे कंट्री में ये 10 digit तक जाता है। ये किस प्रकार जाता है मैं समझाता हूँ। अगर आप यही जो HS कोड का पहला 6 digit लेंगे, उसका होता है सिर्फ और सिर्फ राइस, जैसे कि 1006 और 30, ये जो HS कोड है ये राइस के लिए है। अगर उस पर आपको मोर स्पेसिफिक करने हैं तो आप 20 जो लगा हुआ है वो बासमती राइस के लिए। अगर कोई कंट्री जैसे कि 10 digit करते हैं, वो क्या करते हैं, इसको बासमती राइस में बहुत सारे वेराइटीज रहते हैं, तो वो वेराइटीज को आपको अगर इंडिविजुअली स्पेसिफाई करना है तो आप दूसरा 2 digit लगाया जाता है, जिसमें से ये HS कोड 10 digit हो जाता है, जो कि एकदम कमोडिटी स्पेसिफाई करता है, एकदम स्पेसिफिक रहता है। तो ये इस प्रकार काम करता है। तो ये जो HSN कोड सिस्टम में टोटल 99 चैप्टर्स है, 21 सेक्शंस है, 1244 हेडिंग्स है, 5244 सब हेडिंग्स है। तो ये ऐसा पूरा कैटेगरिकली डिवाइडेड है, और उस प्रकार ये काम करता है। तो HS कोड की जो फर्स्ट 6 digit है उसको जैसे कि चैप्टर, हेडिंग और सब हेडिंग, ये जो तीन चीज है, ये तीन चीज में क्या डिफाइंड होता है, जो चैप्टर और सेक्शन जो है वो गुड्स का जो ब्रॉड कैटेगरी है उसको डिफाइन करते हैं, और जो हेडिंग और सब हेडिंग है उसमें कमोडिटी को स्पेसिफाई की जाती है।
उसके ये 6 डिजिट तक है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, और इंटरनेशनली अगर आप मेंशन करते हैं तो ओके है और चल जाता है। और जब भी उसके बाद जब हम 8 डिजिट में जाते हैं वो उस गुड्स को और ही ज़्यादा स्पेसिफाई करता है, और जब हम 10 डिजिट में जाते हैं वो एग्जैक्ट गुड्स जो है उसको ही स्पेसिफाई करता है। और ये इस प्रकार टोटल काम करता है, ये जो नोमेनक्लेचर सिस्टम है ये इस प्रकार पूरा टोटल काम करता है। और इसको मैं बता दूं, ये जो HSN कोड ये वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया हुआ है, और ये उसके सारे कंट्री उसके मेंबर्स होते हैं और उसी हिसाब से ये चलता है। और बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि ये इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से डेवलप किया है वो 100% गलत है, इसको वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ने ही डेवलप करता है और मेंटेन करता है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे कि कितने डिजिट का HS कोड कहाँ पे यूज होता है और ये किस प्रकार काम करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं बता दूं, अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस में हैं तो आपको 6 डिजिट HS कोड यूज करना रहेगा। इंटरनेशनली 6 डिजिट HS कोड एक्सेप्टेड है और एक्सेप्टेबल है। और उसके अलावा अगर आप इंडिया से इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं या आप अगर आप इंडिया के अंदर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं तो आपको 8 डिजिट HS कोड यूज करना मैंडेटरी है, क्योंकि वो मोर स्पेसिफिक हो जाता है। तो इसलिए इंडिया से अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं तो आप 8 डिजिट HS कोड यूज करें। इसके अलावा जो उसका दूसरा यूज है, हमारे इंडिया में जो GST सिस्टम है, GST सिस्टम में HS कोड की बहुत ही अहमियत रहती है। ये 3-tier सिस्टम में काम करता है। चलिए मैं बात आपको समझा देता हूँ वो किस प्रकार काम करते हैं। समझ लीजिए, अगर आप डोमेस्टिक बिजनेस में है और आपकी जो टर्नओवर है 1.5 करोड़ से नीचे है तो आपकी इनवॉइस में HS कोड की यूज करना जरूरत नहीं है, आपको इतना मैंडेटरी नहीं है और जरूरत पड़ती नहीं है। लेकिन अगर आपका बिजनेस 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक है तो आपको 2 डिजिट जो HS कोड है आपका इनवॉइस में मेंशन करना जरूरी है, जो आगे चल के GST जो आप फाइलिंग करेंगे उसमें बहुत ही हेल्प मिलेगा, क्योंकि उसमें GST R1 जो आप फाइल करेंगे ये जो HS कोड आपको मेंशन करना पड़ेगा, आपको मटेरियल नाम वहां पे मेंशन नहीं करना पड़ता है। तो इसमें फिर जो थर्ड आता है कैटेगरी, उसमें अगर आपका बिजनेस 5 करोड़ से अबव है तो आपको 4 डिजिट HS कोड आपके इनवॉइस में मेंशन करना जरूरी है, जो कि आपके फिर GST R1 में फाइल करने में आसानी हो। तो इस प्रकार अलग अलग नंबर के HS कोड अलग अलग जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अभी हम बात करेंगे कि कोई भी प्रकार के प्रोडक्ट आप उसके जो HS कोड है कि इजीली कैसे फाइंड करें। तो इसको जैसे कि आप अगर गूगल करेंगे बहुत सारे PDF तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसमें उतना इजी नहीं रहेगा। सबसे इजी जो तरीका है मैं आपको अभी बताता हूँ, जो मैं खुद कर रहा हूँ। पहले आपके जो नाम है, जो भी आपके जो मटेरियल या प्रोडक्ट का जो नाम है, आप उसको गूगल पे सर्च करिए HS कोड ऑफ दैट प्रोडक्ट। ओके, तो आपको बहुत सारे HS कोड आ जाएंगे वहां पे, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग मेंशन किया हुआ है तो अलग अलग आ जाएंगे। अभी आपको वो जो रेफरेंस मिला, जो HS कोड मिला, आपको उसको वेरीफाई करने की भी जरूरत है। उसको आप लीजिए और इसमें जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है icegate.gov.in कस्टम का जो वेबसाइट है उस पे आप जाके इसको वेरीफाई करिए। उसमें एक बात होती है, icegate.gov.in ओपन करने के बाद कस्टम ड्यूटी कैलकुलेटर करके एक बटन आती है, उसको क्लिक करें। उसके बाद आप ट्रेड गाइड पे जाइए, ट्रेड गाइड पे फिर आपकी जो HS कोड आप जो गूगल से लिए है उधर आप उसको इनपुट करिए, तो उसमें आपको पूरा का पूरा डिटेल मिल जाएगा। और सिर्फ और सिर्फ आपको HS कोड के नाम नहीं मिलेगा, उसमें वो चीज़ पे कस्टम ड्यूटी कितना लगता है, उसका क्या स्टेटस क्या है, तो ये सारे चीज़ें और गवर्नमेंट की बेनिफिट्स है, वो सारे चीज़ें आपको icegate की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। और सारे इन्फॉर्मेशन वो प्रोडक्ट के बारे में icegate से आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। आई होप इस वीडियो में HS कोड की सारे जो फंडा है वो मैं समझाने में प्रॉपरली आपको सक्षम रहा हो, क्योंकि मेरा एक ही मोटिव रहता है कि आपको जो भी डेटा है वो बहुत ही एक्यूरेटली और बहुत ही प्रिसाइसली प्रेजेंट करूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपको बोल दूँ और किसको मिसगाइड करने की मेरे के कोई भी इरादा नहीं है। तो इसको ये जो कंटेंट को क्रिएट करने में समय और बहुत सारे एफर्ट्स डेडिकेट करना होता है, और उसी को अगर मैं ये डेडिकेट तभी कर पाऊंगा जब भी मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। और मुझे जो मोटिवेशन मिलता है वो आपके लाइक शेयर एंड सब्सक्रिप्शन से मिलता है। तो वही गुजारिश हर बार की तरह मैं करूंगा कि प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी जो अपकमिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रहेंगे आपके लिए उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।